श्रीमती बीडी जैन गर्ल्स डिग्री कॉलेज इस वर्ष स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती एवं वार्षिक उत्सव समारोह मनाने जा रहा है। गुरुवार से आयोजित होने जा रहे इस 7 दिवसीय समारोह में कैरियर चौपाल, हेल्थ, खेलकूद, सांस्कृतिक सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रीमती बी जैन डिग्री कॉलेज इस वर्ष हीरक जयंती एवं वार्षिक उत्सव उमंग के तौर पर मनाने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में बुधवार को महाविद्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजकों ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि इस महाविद्यालय की स्थापना 29 जनवरी 1949 में हुई थी और 2024 में महाविद्यालय अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है। महाविद्यालय में हीरक जयंती को लेकर जोश और उत्साह का माहौल है। प्रत्येक दिन 6 बच्चिया कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित होंगे, जिसमें मेधा के सहयोग से कैरियर चौपाल, हेल्थ आगरा और रोटरी क्लब के सहयोग से सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान एवं हीमोग्लोबिन परीक्षण, हुनर हाट और जर्नल का विमोचन, मुन्ना लाल बास्केटबॉल प्रतियोगिता, सेठ अचल सिंह वाद विवाद प्रतियोगिता, एक डॉक्यूमेंट्री इतिहास के आईने में महाविद्यालय और समापन समारोह पर वार्षिक उत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वंदना अग्रवाल ने हीरक जयंती के कार्यक्रम की रूपरेखा मीडिया के समक्ष रखी और कहा कि यह महाविद्यालय के लिए गौरवान्वित पल है, लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सर, हमारे महाविद्यालय को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में हमारा महाविद्यालय हीरक जयंती मना रहा है। एक हफ्ते का ये प्रोग्राम है, इसी के उपलक्ष्य में हमने आप लोगों को कष्ट दिया। क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे मैडम? हमारा कल से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। कल करियर चौपाल हो रहा है, मेधा एक संस्था है उसके सहयोग से। इसमें लगभग दस विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ आके हमारी छात्राओं को गाइड करेंगे। उसके बाद 15 तारीख को हमारे यहाँ हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम है, जिसमें हेल्थ आगरा और रोटरी क्लब के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। सर्वाइकल कैंसर के उपलक्ष्य में व्याख्यान होगा और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम है ये? 7 दिवसीय कार्यक्रम, तो पर डे कार्यक्रम होने हैं। पर डे कार्यक्रम होने 20 तारीख तक। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम संयोजिका प्रोफेसर पूर्व प्राचार्य मीरा अग्रवाल, प्रोफेसर शिखा श्रीधर ने वाद विवाद प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। उन्होंने हीरक जयंती समारोह पर अपनी खुशी व्यक्त की। हमारा महाविद्यालय 75 वर्ष पूरे कर रहा है, इस उपलक्ष्य में महाविद्यालय जो है वो हीरक जयंती वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका कि टाइटल रखा है उमंग। उमंग के अंतर्गत 7 दिवसीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें कि 14 तारीख को हमारे यहाँ कैरियर चौपाल, 15 तारीख को मेडिकल कैंप लग रहा है, जिसमें कि SN हॉस्पिटल HOD कैंसर विभाग के डॉक्टर सुरभि गुप्ता जो हैं वो अपना बच्चों को इंजेक्शन लगाएंगे सर्वाइकल कैंसर। उपस्थित रहेंगे गायनो डॉक्टर तो जो हम वो हमारी गेस्ट हैं, तो कम से कम दो, एक तो हेड वो SOD आ ही रही हैं, अपने साथ वो सहयोगी के रूप में सुरभि गुप्ता जी अपने सहयोग के रूप में 4 और डॉक्टर को लेकर आए। पूरा क्या उद्देश्य है ये सब आप कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं इस तरीके से अलग अलग? ये जो हमारे इतने 75 वर्षों में इतने जो कॉलेज ने महाविद्यालय में समय गुजारा है, उसके इस क्षेत्र में हमारे महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं कहाँ कहाँ उन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की, कोई डॉक्टर बन के गई, कोई ISPCS में उनका सिलेक्शन हुआ है, कोई लेक्चरर बनी है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो उसमें मौजूद रहेंगे। हाँ, हमारे पास जो है वो उनको बुलाया गया है। जैसा कि अभी हमारे प्राचार्य जी और हमारी संगीत विभाग की विभाग अध्यक्ष द्वारा आपको अवगत कराया गया है कि हीरक जयंती के उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय कार्यक्रम हमने यहाँ रखा है, जिसमें विविध क्षेत्रों में जितने भी महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं वो हम यहाँ छात्रों को उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कि करियर चौपाल में उनको अपने करियर से संबंधित जानकारी मिलेगी, फिर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि गुप्ता जी की टीम द्वारा छात्राओं को किस तरह सर्वाइकल कैंसर से छात्राओं को बचाया जा सकता है और उनकी सुरक्षा के लिए निशुल्क सभी छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी लगाई जाएगी। उसके बाद हमारा बास्केटबॉल प्रतियोगिता भी है कॉलेज में और सेठ अचल सिंह अंतर महाविद्यालयी प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसका विषय है देश के आर्थिक विकास में निजीकरण
जो इस अवसर पर मीडिया प्रभारी कैप्टन नीलम कांत डॉक्टर नीलम सिंह और प्रोफेसर कुसुम शर्मा प्रोफेसर किरण सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।